हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और दमदार वीडियो में। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम एक फिर से एक विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर पिता आप सब जन को आशीष दे, क्योंकि वो महान परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। इस वीडियो को आंख खोलकर ध्यान से देख लेना, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु मसीह उद्धार करता हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु आने वाला है। हमें तैयार रहना, हर घड़ी तैयार रहना, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना है। आप देख रहे हैं जगह जगह युद्ध हो रहा, काल पड़ रहे हैं। इसराइल हमाम से, फिलिस्तीन से, गाजा से, हर एक देश से, हर एक दूसरा देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करे, जैसा कि आप जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, आप देख सकते हैं। और आज वैसा ही हो रहा है। और आप प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना और देखने के बाद अपने प्रियजनों के पास वीडियो को शेयर करना। परमेश्वर आप सब जन से बात करेगा। परमेश्वर आप सब जिनको हीलिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है हम यीशु मसीह के आने के विषय में बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह का रैप्चर हो चुका है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है। मैं आपसे बता रहा हूँ मेरे भाई, आपने कहाँ देखा, आपको किसने बताया कि यीशु का दूसरा आगमन हो चुका है, यीशु मसीह आ चुका है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह आएगा, मत्ती की किताब बताती है 24 में शायद लिखा हुआ है, बताते जब प्रभु का आना होगा तब बिजली इस छोर से जब उस छोर तक चमकती है, तुमको पता चलेगा कि यीशु मसीह तब आएगा। क्योंकि बिजली तब चमकेगी, घड़घड़ाहट की आवाज़ आएगी, बिजली इस छोर से उस छोर तक जाएगी और तब यीशु का आना होगा। मेरे प्रियजनों, हाहाकार मचा होगा उस समय। यीशु मसीह अब दूसरे कमिंग में आएगा। मेरे प्रियजनों, पहला कमिंग जिस प्रकार वो बच्चे के रूप में आया था मेरे प्रियजनों, अब वैसे नहीं आएगा परमेश्वर। अब आग उसके आगे आगे चलेगी मेरे प्रियजनों, इतना तबाही के साथ परमेश्वर आएगा अपनी दुल्हन को लेने। इसलिए अपनी तैयारी को बनाओ मेरे प्रियजनों। आज इस समय में बीतते दिनों में जैसे जैसे प्रभु का आना नज़दीक आ रहा है, यीशु के रप्चर का आना नज़दीक आ रहा, आगमन का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे मसीहों के अंदर प्रेम भी खत्म होता चला जा रहा है। वैसे वैसे मसीह लोगों के अंदर पाप, घमंड, व्यभिचार उत्पन्न होता चला जा रहा है। मगर बाइबल क्या कहती है, हमें ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग नहीं देगा मेरे प्रियजनों। इसलिए बाइबल कहती है हमें तैयार रहना है, अपनी तैयारी बना के रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। परमेश्वर अचानक आएगा, इसलिए तैयारी बना लो। मैं एक वीडियो में नहीं, काफ़ी वीडियो में बोलता चला आया हूँ। मेरी भाइयों, मेरी प्रिय भाई बहनों, आप तैयारी बनाओ। आप देख सकते हैं एक चैनल सचिन खिलावी जी का, उनके वीडियो से आप देख सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु जो हमारा और आपका प्रभु है, वो किसी को नाश करना नहीं चाहता है, वो किसी को बर्बाद करना नहीं चाहता है, वो किसी को नरक में डालना नहीं चाहता है। हमारा जो आपका परमेश्वर, जो जीता परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है, वो हमसे और आपसे प्रेम करता है। मगर मनुष्य आज खुद पाप करके उस नरक की आग में जाना चाहता है, तो परमेश्वर इसमें क्या करे, परमेश्वर क्या करे भाई, क्या करे। यदि आप खुद थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा पाप करते हो, थोड़ा सा, जरा मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ मेरे भाई, आपके घर में गैस सिलेंडर होगा, आप उसको जलाइए और उस पर अपना हाथ रखिए, आपको पता चल जाएगा आप उस आग कितनी देर बर्दाश्त कर पाएंगे। आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। जब आप यहाँ की आग थोड़ी सी चिंगारी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, अरे कांटा चुभ जाता है, जरा सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो उस नरक की आग कैसे बर्दाश्त कर पाओगे। जरा सोचा आपने, प्रभु यीशु स्वर्ग जाने से पहले एक बात कह गए थे अपने चेलों से और विश्वासियों से कि तुम सावधान रहना और परमेश्वर के सारे तर बांध लेना, तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, कहीं वो दिन तुम पर अचानक फंदे के समान ना पड़े। मगर हम तो आज एक लड़की को पटाने में लगे हुए हैं, उसको मनाने में लगे हुए हैं। अपना कीमती समय, अपना कीमती वक्त जो हमारा परमेश्वर देता है, जिंदा रखता है, उस समय को हम व्यर्थ कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। याद रखना, जो आप पाप करते हो, व्यभिचार करते हो, इन लिस्ट परमेश्वर, पापों की लिस्ट आपकी परमेश्वर बना रहा है, गिन गिन कर लिख रहा है। जब आपका न्याय होगा श्वेत सिंहासन के सामने, तो वही लिस्ट खोल कर परमेश्वर आपको न्याय के दिन दिखाएगा, तो वहाँ पे कोई क्षमा नहीं दी जाएगी।
जरा सोचा है जब न्याय होगा परमेश्वर करेगा तो आप सोचते हो क्या मैं सत्य सिंहासन के सामने कहाँ भाग जाऊँगा। अरे बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग, विश्वासी लोग, पास्टर लोग, अन्य जाति लोग प्रभु के सामने सत्य सिंहासन के सामने रोते होंगे, उस समय चिल्लाते होंगे, गिड़गिड़ाते होंगे और कहते होंगे प्रभु मुझ पापी पर दया कर दे, मुझ पापी पर दया कर दे। मगर परमेश्वर वहाँ पर किसी के ऊपर रहम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो सुनो, क्योंकि परमेश्वर जो आपको हमको आप टाइम देता है, सबको, अन्य जातियों को, विश्वासियों को, सबको टाइम तो देता है परमेश्वर, मगर यीशु मसीह के समय को कोई कीमती नहीं समझता है। उस समय का गलत उपयोग करते हैं, व्यभिचार करते हैं, सेक्स वीडियो देखते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, यहाँ तक कुछ विश्वासी और कुछ पास्टर भी लड़कियों से बात करते हैं। उनको शर्म नहीं आती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया है, हमारे लिए कोड़े खाए हैं, हमारे लिए मार खाया है, हमारे लिए बेइज्जती सहा है। हम उस परमेश्वर की कदर करें। याद रखना परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या क्या बिगाड़ता है, यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ भी जाते हैं तो तू उसका क्या कर लेगा, अपने लिए गड्ढा खोदना है। मेरे प्रियो, यदि हमारा अपराध बढ़ भी जाता है तो हम परमेश्वर का नहीं बिगाड़ते हैं, अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, अपने लिए मौत का गड्ढा खोदते हैं, अपने लिए कुएं का गड्ढा खोदते हैं जिसमें वो अंधा जाएगा और दूसरे अंधे को भी लेकर चला जाएगा। इसलिए समय कम है और दिन बुरे, अपने प्राणों को बचा लो। प्रभु यीशु का वचन कहता है, याद रखना, जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेकर चला जाएगा, मत्ती की किताब बताती है 24:36 में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। देखो, जागते और सावधान रहना। देखो, परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट रूप से बाइबल खुलासा करती है मेरे प्रियों, फिर भी क्या आप अंधे हो मेरे प्रियों? बाइबल साफ साफ कहती है प्रभु यीशु अचानक आएगा। यहाँ स्वर्ग के दूतों को भी नहीं पता, ना हमको पता, ना आपको पता कि परमेश्वर कब आएगा। इसलिए यीशु मसीह अचानक आएगा और अचानक ही यीशु मसीह रेप्चर होगा परमेश्वर, और जितने विश्वासी तैयार होंगे, रेडी होंगे, प्रभु के वचन पर चलते होंगे, प्रार्थना में इनते लगे होंगे, पांच समझदार कोरों की तरह तैयार होंगे, उनको परमेश्वर स्वर्ग में बदल कर उठा लेगा। और वही परमेश्वर बोलता, बेटा अपने पापों से मन फिरा ले, तोबा कर ले, तोबा कर ले, तोबा कर ले, पापों से पश्चाताप कर ले। मगर आज हमारे मसीह भाई बहन कहाँ सुधरने का नाम ही लेते हैं। चमत्कार, चंगाई, छुटकारा हमें स्वर्ग नहीं देगा। याद रख लेना, परमेश्वर का वचन, पवित्रता का जीवन, खरा जीवन हमें स्वर्ग देगा, स्वर्ग देगा। याद रखना, न्याय का दिन विश्वासियों के, विश्वासियों से स्टार्ट होगा। जब न्याय करेगा परमेश्वर तो जितने विश्वासी, विश्वासियों से न्याय का आरंभ स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, मन फिराओ और लौटाओ, परमेश्वर आपको माफ करेगा। कब तक पाप कर दो? पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया है, कोड़े खाए हैं, बेइज्जती सहा है, दुख सहा, दर्द सहा। मेरे प्रियजनों, आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय मसीह की, गुड लक।